दोस्तों अक्सर लाइफ में ना काफ़ी छोटे छोटे प्रॉब्लम भी ना काफ़ी बड़े बड़े दिक्कतों का सामना दे देती है हमें, ठीक है। एंड उसी चीज़ का सलूशन आज तुम्हारा भाई लेके आया है। पहले इंट्रो दे देता हूँ फिर एक्शन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मेडिक चैनल पे। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो एक सिनेरियो में यूँ समझ लेता हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि अगर आपके पास एक व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग नंबर है, और आप प्लान कर रहे हो कि नहीं आप दूसरे व्हाट्सअप नंबर पे स्विच करने वाले हो, ठीक है, तो यूजुअली आपका जो पुराना व्हाट्सअप नंबर का जो डेटा है, ठीक है, जैसे कि गुड मॉर्निंग मैसेजेस हो गए या गुड मॉर्निंग फोटोज हो गए, ठीक है, या केबीसी की तरफ से आने वाला मैसेज हो, ठीक है, तो ये सारे जो डेटास होते हैं इसको आप किस तरह से स्टोर करके सेव कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो पुरानी मेमोरीज है अपने पुराने व्हाट्सअप नंबर पे वो आपके पास रहे। दूसरा एक और चीज़, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो और सडनली आपने जो है एप्पल पे स्विच कर लिया, तो आपके एंड्रॉयड का डेटा भी जो है आप चाहते हो कि वो आपके पास सेफ रहे, ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया। इस फंक्शन के मदद से मैं आपको बता दूं कि आप पर्टिकुलर चीज़ों को भी समझ लो बैकअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके जो पुराने व्हाट्सएप पे समझ लो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, सिर्फ आपको अगर उसी को रिकवर करना है तो भी पॉसिबल है, या फिर कोई पर्टिकुलर वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर वीडियो को भी रिकवर कर सकते हो। ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है। अब हम चलते हैं डेमो पे और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप डेटा को जो है स्टोर करके रख सकते हो अपने पीसी पे। स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे स्क्रीन पे। इधर उधर नजर ना डालते हुए काम की बात पे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो ये वाला जो ऐप है, ठीक है, मैं इसको जरा ओपन कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऐप का नाम है ULT डेटा फॉर एंड्रॉयड, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो। मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद देखो यहाँ पर मेनली सबसे बड़ा हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेनली हम ध्यान देंगे यहाँ पर रिकवर गूगल ड्राइव डेटा, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली क्लिक कर देते हैं इस पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वो वाली ईमेल आईडी डाल देनी है जो अपने व्हाट्सअप नंबर से आपने जो है ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा था, बेसिकली लिंक करके रखा था। जानते हो आप बैकअप के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर पे एक ईमेल आईडी को लिंक करना पड़ता है, क्योंकि वो जो है फिर आपके गूगल ड्राइव में आपके जो डेटा है व्हाट्सअप के उसको सेव कर लेता हूँ। मैं क्विकली यहाँ पर डाल देता हूँ। ऑलराइट गाइस, दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, एक तो है रिकवर व्हाट्सअप डेटा और दूसरा है रिकवर डिवाइस डेटा। व्हाट्सएप डेटा पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, अगर आपने ऑन करके रखा है, तो उसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है उस चीज़ को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सिंपली सिलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि टर्न ऑफ करने के लिए आपके टू स्टेप वेरिफिकेशन को, तो हम क्विकली अपने फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन को बंद कर देते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सिंपली ओके करता हूँ। जैसे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अपना जो है सारा डेटा जो है फिलहाल ये कलेक्ट कर रहा है हमारे ड्राइव से। फाइनली दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस या वरना तो कोई भी आपका अपना ईमेल आईडी डाल के आपका मोबाइल का डेटा ले सकता है। सो या एक बार ओटीपी जो है कंफर्म कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर आप अपना जो है सारा डेटा स्कैन हो रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर हम जो है स्पेसिफिकली भी जो है अपने यू नो किसी भी जैसे हमारे यहाँ पर ऑडियो को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस जो है हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इवन आपके जो है यहाँ तक कि स्टिकर का भी ऑप्शन मिल जाता है और मैसेजेस, तो आप इस चीज़ को भी जो है यहाँ से आप जो है अपना ले सकते हो, ठीक है। सो इतने सारे जो है आपको फीचर्स जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है चाहो बारी बारी सबको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो ऑल को, या फिर अगर आप चाहो तो एक पर्टिकुलर समझ लो मैं क्लिक करके पर्टिकुलर किसी एक फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि ये और ये फ़ोटो, ठीक है, तो मैं इस पर रिकवरी क्लिक कर दूंगा तो ये दो फोटो मेरा रिकवर हो जाएगा। और अगर चाहो तो मैं मैसेज को भी जो है सारा मैसेज को जो है सिंपली क्लिक करके सारे मैसेज को भी मैं रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैं अभी समझ लो मैंने यहाँ पर जो है इमेज में दो, चलो एक और यूज़ कर लेते हैं हमारा सबसे बेस्ट ये वाले स्टिकर जो हम लोग हैं ये वाले जो फोटोज़ को रिकवर कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाले को, तो हम इस तरह से चार फोटोज़ और मैसेज सारा जो हम लोग रिकवर कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग चाहो तो ऑडियो भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है, इवन ऑडियो में भी हम लोग चले जाते हैं। चलो एक ऑडियो को भी यहाँ पर जो हम लोग रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट क्लिक करके, फिर से बता रहा हूँ, आप जो है डायरेक्ट क्लिक करके पूरा ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हो एक क्लिक पे, या फिर आप स्पेसिफाई कोई भी दो तीन जो आपको लगे आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपली हम लोग जो है रिकवर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप पाथ डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पर अपने जो फाइल्स उसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर भी बना लेते हैं, यहाँ पर मेक अ न्यू फोल्डर व्हाट्सएप बैकअप लिख देता हूँ, तो इसको हम लोग क्लिक करके ओके दबा देते हैं एंड यहाँ पर आपका जो है सारा रिकवर सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली क्लोज करके आप देख सकते हो आपके सारे जो है व्हाट्सएप इमेज जो हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है, ये सारे इमेज जो है आप हमारे इसमें आ गए, ठीक है। एंड इवन आपके जो मैसेजेस है आपके सारे मैसेजेस यहाँ पर आ चुके हैं,
एंड इवन आपके व्हाट्सएप ऑडियो तक जो आपने सिलेक्ट करके रखा था वो भी यहाँ पर आ गए। देखा दोस्तों कितना आसान था, इस ऐप के मदद से हमने जो है चुटकियों में अपने सारे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप डेटास को जो है बैकअप करके स्टोर कर लिया हमारे पीसी में। सो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाके वहां पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टेंटली डाउनलोड करके अपने पीसी में सारा जो है व्हाट्सएप डेटा को आप आज ही सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। सो या अगर आपको ऐसा वीडियो देखने को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना, ठीक है। ऐसा बीच बीच में एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो भी चलता है यार, है ना। सो या मिलता अगले वीडियो में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाय।